अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो गूगल मैप साइटेशन के बारे में है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल मैप साइटेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और इससे आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, गूगल मैप साइटेशन एक SEO की एक्टिविटी है जो कि GMB रैंकिंग के लिए यूज़ होती है। गूगल मैप साइटेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जीमेल क्रिएट कर लेनी है, तो उसके बाद उसे लॉग इन कर लेना है। फिर आप लोगों ने गूगल ड्राइव में आ जाना है। माई ड्राइव, मोर, गूगल माई मैप्स, फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपना एड्रेस सर्च कर लेना है। एड्रेस यहाँ पे ऐड टू मैप पे क्लिक करना है, इसे रिमूव कर देना है। एडिट पे क्लिक करना है, पेंसिल पे ऊपर बिजनेस नेम कॉपी पेस्ट के जरिए, और यहाँ पे फुल डिटेल आप लोगों ने पेस्ट करनी है, बिजनेस डिटेल सेव। उसके बाद स्टाइल पे क्लिक करना है, इसे आप लोगों ने होम बना लेना है, कोई भी कलर आप लोग दे सकते हैं होम को। उसके बाद यहाँ पे अनटाइटल मैप, यहाँ पे भी आप लोग कोई कीवर्ड या बिजनेस नेम सेव। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, शेयर ऑन ड्राइव, गेट द लिंक, इसे एनीवन कर लेना है, एनीवन विद द लिंक, और डन। उसके बाद आप लोगों ने सर्कल जनरेट करने हैं और उस पर पॉइंट्स लगाने हैं। सर्कल जनरेट करने के लिए आप लोगों को स्कॉट मैरी की ज़रूरत पड़ेगी, सर्कल जनरेटर लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाले कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे पेस्ट। फिर रेडियस जो है वो 5 मीटर की जगह यहाँ पे मील कर लेना है, पहला 5 मील, दूसरा 10 मील, तीसरा 15, इसी तरह। जनरेट, फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेना है इस फाइल को। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों ने ऐड लेयर पे क्लिक कर लेना है। ये होम वाली लेयर हो गई, ये सर्कल के लिए। यहाँ पे इंपोर्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल, वही फाइल सिलेक्ट करनी है जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है, वो ये है, तो सर्कल जनरेट हो जाएगा। तो उस फाइल को आप लोगों ने डाउनलोड में से डिलीट कर देना है ताकि दूसरी फाइल उसी तरह होती है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। गूगल मैप करते वक्त कोशिश करें कि डाउनलोड्स में कुछ भी ना हो, डाउनलोड्स को खाली रखें ताकि फाइल्स में आप लोग कंफ्यूज ना हो। जनरेट करने के बाद आप लोगों ने ये जो ब्लू लाइन है इसको यहाँ पे लाना, यहाँ पे क्लिक करना है ताकि इसी सर्कल में ही पॉइंट्स लगे, वरना आप पॉइंट्स लगाते जाएंगे लेकिन वो होम में ही शो होते जाएंगे। ये सेंटर को आप लोगों ने डिलीट कर देना है और सर्कल को रहने देना है। ये सेंटर है, सेंटर को डिलीट कर देना है, ये 3 डॉट्स पे, और डिलीट दिस लेयर। फिर ये सर्कल में ब्लू लाइन लानी है और पॉइंट आप लोगों ने इस तरह लगाने हैं कि ये पॉइंट पे आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करके और क्लिक करना है ताकि पॉइंट्स आप इकट्ठे लगा सकें। इसी तरह आप क्लिक के ज़रिए पॉइंट्स लगाते जाएंगे सर्कल के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसी तरह क्लिक करके लगा सकते हैं। जब सर्कल भर जाए तो उसके बाद आप लोगों ने इस तरह जूम करके लगाना है। हज़ारों पॉइंट्स आप इसी तरह लगा सकते हैं सर्कल पे, जितने भी हों आप लोगों ने इसी तरह लगाते जाना है। इसी तरह पॉइंट्स लगा लेने के बाद, काफ़ी सारे पॉइंट्स जितने भी आप लगाना चाहते हैं, 500, 1000, 1500, अगर 1500 पॉइंट्स हों तो आप 3 सर्कल बना के 500 पॉइंट्स पर सर्कल लगा सकते हैं। फिर वो आप लोगों ने खुद डिवाइड कर लेना है
और पॉइंट्स लगाने के बाद यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्टाइल है इस पे क्लिक करके आप लोगों ने इसे यूनिफॉर्म स्टाइल कर लेना है, ताकि पॉइंट्स इकट्ठे शो हों कि कितने लग गए हैं, आप लोगों को पता चलता जाएगा। फिर हर 50 पॉइंट्स के बाद आप लोगों ने इसे प्रव्यू भी करना है ताकि सेव होती जाए। यहाँ पे आप लाएंगे एरो, अगर सेविंग का ऑप्शन होगा तो सेव हो रहे होते हैं, तब आप प्रव्यू नहीं कर सकते। जब ये ऑप्शन आ जाए ऑल चेंजेस सेव इन ड्राइव, तब आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो हर 50 पॉइंट्स के बाद आप लोगों ने इसे प्रीव्यू करना है। एक सर्कल पे पॉइंट्स लगाने के बाद आप दूसरा सर्कल जनरेट करेंगे। दूसरा सर्कल भी उसी तरह ही जनरेट करना है जिस तरह पहला सर्कल आप लोगों ने जनरेट किया है। बस 5 मील की जगह 10 मील आ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स वही, यहाँ पे 10। इसी का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने मील ही करना है, मीटर नहीं करना, मील ही रहने दें। उसके बाद जनरेट, फिर डाउनलोड। तीसरे सर्कल के लिए आप लोगों ने फिर 15, चौथे के लिए 20 मील, पांचवे के लिए 25 मील, इसी तरह डाउनलोड्स। फाइल डाउनलोड हो गई, उसके बाद दोबारा ऐड ए लेयर, इंपोर्ट, दो लेयर बन गए, एक को डिलीट कर दें, फिर इंपोर्ट, सिलेक्ट फाइल, ये आप लोगों का दूसरा सर्कल बन जाएगा। फिर उस पर भी इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट्स लगाने हैं। सेंटर को आप लोगों ने उसी तरह डिलीट कर देना है, और फिर उसी तरह कंट्रोल प्रेस करके पॉइंट पे और फिर क्लिकिंग के जरिए पॉइंट्स आप लोगों ने लगाने हैं सारे। सेकंड सर्कल पे भी पॉइंट्स लगा लेने हैं, और उसको भी इसी तरह इंडिविजुअल को यूनिफॉर्म में चेंज कर देना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग जिस सर्कल पे पॉइंट्स लगा रहे हैं ये ब्लू लाइन उसी पे ही हो, क्लिक जहाँ पे करेंगे वहीं पे ये शो होना शुरू हो जाए, ताकि उसी में ही लगे। और ये जो पानी है इसमें आप लोग पॉइंट्स नहीं लगा सकते, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाने, बाकी हर जगह आप लगा सकते हैं। सर्कल पे भी नहीं लगाने, यहाँ पे पानी में जूम करके आप बहुत सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह तीसरा सर्कल जनरेट करना है। डाउनलोड में से पहले वाली फाइल को हम लोग डिलीट कर देते हैं। के लिए 15 जनरेट, डाउनलोड, फिर ऐड लेयर, इंपोर्ट, सिलेक्ट फाइल, ये आप तीसरा सर्कल। अब तीसरे सर्कल के लिए आप लोगों ने ये ब्लू लाइन तीसरे में ही लानी है, इसका सेंटर डिलीट कर देना है। हर सर्कल के साथ आपका सेंटर बनेगा, सेंटर को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लू लाइन यहाँ पे शो होने लग जाएगी। फिर कंट्रोल और इस पर प्रेस, पॉइंट पर प्रेस, क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर क्लिक के जरिए आप लोगों ने पॉइंट्स लगाने हैं सारे सर्कल पे, सिवाय पानी वाली जगह पे, यहाँ पे आप लोग नहीं लगा सकते। पॉइंट्स लगाने के बाद आप लोगों ने इनमें डिटेल पुट करनी होती है तमाम पॉइंट्स में। उसका प्रोसेस यह है कि आप पहले सर्कल में यहाँ पे 3 डॉट्स पे आएंगे और ओपन डेटा टेबल, फिर यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने कीवर्ड्स देने होते हैं, और इस साइड पे आप लोगों ने फुल डिटेल देनी होती है। यहाँ पे आप क्लिक के जरिए भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए के जरिए आप यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके, और अलग अलग कीवर्ड दे सकते हैं, एक ही भी दे सकते हैं आप, 100 में दे लें, फिर दूसरा 200 में, फिर इस तरह। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, फुल डिटेल देनी है आप लोगों ने।
21 को यूज करते हुए भी आप लोग दे सकते हैं, और क्लिक के जरिए भी यहाँ पे डिटेल पुट कर सकते हैं आप, सब में देनी है। और ये भी 50 पॉइंट्स तक आप जो आप लोगों ने रुक जाना है, फिर प्रीव्यू करना है, सेव होने देना है इसे। हर 50 पॉइंट्स के बाद आप लोगों ने इसे प्रीव्यू करना है। यहाँ पे सेविंग चल रहा है अभी, जब सेव हो जाएगा तो आप प्रीव्यू कर सकेंगे। सेविंग में प्रीव्यू नहीं करना है, फिर वो डिटेल सेव नहीं होती, आपको दोबारा देनी पड़ती है, या पॉइंट्स आप लगा रहे हैं तो फिर पॉइंट्स नहीं लगते, दोबारा आप लोगों को लगाने पड़ते हैं। डिटेल पुट करने के बाद आप लोगों ने कलर देने हैं, पॉइंट्स को कलर देने हैं, सर्कल को। कलर यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट के सामने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। और इसको सर्कल को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, दूसरे सर्कल में भी इसी तरह ही कलर देना है, तीसरे में, जितने भी हो आप इसी तरह कलर दे सकते हैं। फिर सेव हो गया, अभी से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। इसी तरह डिटेल्स आप पॉइंट्स में दे देनी है, फिर उसके बाद कलर दे देना है, और कलर के बाद आप लोग ड्राइविंग डायरेक्शंस लगाएंगे। ड्राइविंग डायरेक्शन क्या के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है ऐड डायरेक्शंस पे, और फिर किसी भी दो पॉइंट्स पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। ये दो डायरेक्शंस ऐड हो गई, उसके बाद यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करते जाना है और डायरेक्शंस ऐड करते जाना है, जितनी भी हों, 8 हों, 10 हों, जितनी भी। फिर लास्ट में आप लोगों ने होम पे क्लिक कर लेना है, होम पे डायरेक्शन ऐड कर देनी है। फिर इसको सेव होने के बाद आप लोगों ने प्रीव्यू कर लेना है। यहाँ पे आप लोग सर्कल्स को नेम भी दे सकते हैं, पहले को 5, दूसरे को 10 मील, तीसरे को 15 मील, इसी तरह। फिर आप लोग प्रीव्यू करेंगे, और ये आप लोगों को मैप का लिंक होगा, जो कि आप लोगों ने एक्सेल में रखना है रिपोर्ट के लिए। मैप आप लोगों का बन गया, उसके बाद यहाँ पे बैक लिंक्स होते हैं, बैक लिंक्स का भी इजी प्रोसेस है, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने बैक लिंक्स रखने होते हैं, बैक जितने भी हों, 10, 15, 20, जितने भी। गूगल मैप के बैक लिंक्स के लिए आप लोगों ने यहाँ पे गूगल मैप सर्च करना है, गूगल मैप्स यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, 3 लाइंस शो होंगी मेन्यू। फिर यूआर प्लेसेस पे क्लिक करना है, मैप्स, और यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट मैप का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस सर्च करना है, अपना फुल एड्रेस, उसी तरह इसे होम बना लेना है जैसे मैप में बनाया, पर बिजनेस नेम, फुल डिटेल। फाइल पे होम बना ले, फिर उसके बाद अनटाइटल मैप में आप लोगों ने एक कीवर्ड देना है, यहाँ पे फुल डिटेल, शेयर शेयर एंड ड्राइव,
एनीवन, कैट लिंक को एनीवन कर लेना है और डन। यहाँ पे लेयर को बिजनेस नेम दे देना है, इसे डिलीट करते हैं। लेयर को आप लोगों ने बिजनेस नेम दे देना है। सेव होने के बाद आप लोगों ने प्रीव्यू कर लेना है। ये आप लोगों का पैक लिंक होगा, एक पैक लिंक भी आप बनाना चाहें तो इसी तरह आप लोगों ने बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड होगा वो चेंज करते जाना है, हर बैक लिंक में एक कीवर्ड नया हो दूसरा कीवर्ड देते जाना है। तो ये था मैप का कंप्लीट प्रोसेस, बहुत ही इजी है, एक स्टेप भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। और इससे आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग किस तरह करनी है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तौर पर fiverr.com है, इस पर गूगल मैप हम सर्च करते हैं। तो देखें इसमें काफ़ी सारे सेलर्स जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं इससे। बस फाइवर पे आप लोगों को गिग बनानी होगी, अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको वो नहीं आता तो वो भी आप हमारे चैनल से इसका प्रोसेस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, फाइवर अकाउंट बनाना और उस पर गिग बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।